नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे चैनल के जो मेहमान हैं उनका नाम है शशि जी। शशि जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शशि जी, आप बाबा साहब को आभार आपका। शशि जी, आप बाबा साहब को बहुत फॉलो करते हैं, उनके बारे में कई बातें भी बताते हैं और लोगों तक उन्हें पहुँचाते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाबा साहब के अंतिम पलों की जो बातें थी, जो उन्होंने हमें बताया था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बाबा साहब का वैसे तो पूरा जीवन ही इस मानव कल्याण के लिए गया, लेकिन अंतिम जो उनका कार्य था, जो उनका अंतिम संदेश था अंतिम दिनों में, और उनके क्या रहन सहन था, तो जो मैंने पुस्तक पढ़ी बाबा साहब के अनछुए प्रसंग, उसके अनुसार अगर कहें तो 5 तारीख की शाम को बाबा साहब के जो गेट पर रहते थे चौकीदार, उनका नाम था रामचंद्र। और रामचंद्र को कोई औलाद भी नहीं थी और बहुत सालों से वो बाबा साहब की सेवा कर रहे थे और बाबा साहब के पास ही उनका रहना खाना सारा होता था। और गेट के पास ही एक छोटा सी उनकी रूम बना हुआ था, वही गेट को खोलते थे। तो 3-4 दिन से रामचंद्र बाबा साहब से मिलने नहीं आ रहे थे। तो बाबा साहब ने नानक चंद्रतू से पूछा कि रामचंद्र की तबीयत ठीक है क्या, मिलने नहीं आ रहा और मैं देख नहीं रहा हूँ उसको। तो नानक चंद्रतू ने कहा कि साहब, रामचंद्र को बुखार है और बुखार है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है। तो बाबा साहब ने रामचंद्र से कहा कि नानक चंद्रतू से कहा, बाबा साहब ने नानक चंद्रतू से कहा कि मुझे रामचंद्र के पास लेके चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और नानक चंद्रतू अपने कंधों का सहारा देते हुए बाबा साहब को रामचंद्र का जो वो रूम था गेट पर जो बना हुआ था वहाँ तक ले गए। और रामचंद्र ने जैसे ही बाबा साहब को देखा तो रो पड़े, खाट से उठे और कहने लगे कि बाबा साहब, आप मुझे देखने आए हैं, जबकि मेरे से ज़्यादा हालत तो आपकी ख़राब है, आपके पैर सूजे हुए हैं और चला नहीं जा रहा है। बाबा साहब ने फिर भी कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा बुखार कैसा है? कि बाबा साहब, अभी ठीक है। और बाबा साहब ने हाथ लगा कर देखा तो बुखार था। बाबा साहब ने नानक चंद्रतू से कहा कि नानक, मार्केट में जाके और इन्हें दवाई लेके आप आइए। नानक चंद्रतू ने उन्हें बाबा साहब को लिया और फिर उनके रूम तक छोड़ा। और फिर नानक चंद ने दवाई लाकर रामचंद्र को दी। और ये शाम के किताब के अनुसार 4-5 बजे का वक्त था। उसके बाद फिर नानक चंद्रतू चले गए या जो भी काम था वो किया उन्होंने। और बाबा साहब ने अपने जीवन में 2 ग्रंथ लिखे, एक भारतीय संविधान और दूसरा बुद्ध और उनका धम्म। और बाबा साहब ने उस ग्रंथ को वैसे तो पूरा कर लिया था, लेकिन जैसे ही बाबा साहब को खाली समय मिलता था तो बाबा साहब उस ग्रंथ की, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, उस पुस्तक की जो प्रस्तावना थी उसको लिखा करते थे। उससे पहले भी बाबा साहब ने कई प्रस्तावना लिखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा साहब को वो पसंद नहीं आती थी और बाबा साहब फिर एक नई प्रस्तावना लिखते थे। और उस दिन भी रात को बाबा साहब ने उस किताब की एक नई और बहुत अच्छी प्रस्तावना लिखी। और उसको लिखने के बाद में बाबा साहब सो गए और उस प्रस्तावना को लिखने के बाद, सोने के बाद, बाबा साहब आज तक नहीं उठे। लेकिन बाबा साहब अंतिम दिनों में यही चिंता में रहते थे कि मेरे जाने के बाद इस समाज का क्या होगा। वैसे तो मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाया है, पढ़ने का अवसर दिया है, विदेश भी भेजा है, लेकिन वो सभी साथी पढ़ लिखने के बाद में कुछ तो वहीं विदेश में जाके स्थापित हो गए, कुछ नौकरी और अपने बच्चों में ही रह गए और कोई भी आगे समाज में निकलने को, आने को तैयार नहीं है। और यहीं से दुखी होकर बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्योंकि बाबा साहब खुद कहते थे कि जब मैं अकेला एक आदमी इतना कर सकता हूँ तो मैंने अपने जैसे पढ़े लिखे बहुत सारे लोग कर दिए तो वो कितनी क्रांति करेंगे। लेकिन बाबा साहब के उन सपनों का क्या हुआ? और बाबा साहब ने यही सोचते रहे कि मेरे बाद मेरे इन लोगों का क्या होगा। लेकिन बाबा साहब कहते रहे कि शिक्षित करो, संगठित करो, आंदोलित करो। लोगों को शिक्षित करते रहो, लोगों को संगठित करते रहो और लोगों को आंदोलित करते रहो। ये बाबा साहब का अपना लास्ट समय के
कुछ ऐसे शब्द थे जो उन्होंने कहे। और लास्ट दिनों में बाबा साहब सभी लोगों से कहा करते थे कि अगर किसी को बौद्ध बनना है तो बौद्ध के अनुसार बनने के साथ साथ वो मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने वाला बने, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जो यहाँ के और धर्म हैं, यहाँ का जो एक ऐसा धर्म है, जो एक ऐसा धर्म है जो हर किसी को निगल जाता है, हर किसी को खा जाता है, हर किसी में समा जाता है, उस चीज़ से बाबा साहब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए बाबा साहब ने अपने लास्ट टाइम में 22 प्रतिज्ञाएँ दीं, और उन 22 प्रतिज्ञाओं को ही बाबा साहब सबसे पहले आगे रखते थे कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को मानोगे या इन पर चलते रहोगे तो आप सच्चे बौद्ध रहोगे, वरना ये हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को भी अपने अंदर सम्मिलित कर देगा या इसी में खुद समा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जिसका कोई और छोर या किसी का बनाना या मिटाना नहीं है, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो खुद समा जाता है या दूसरे में समा जाता है। इसलिए बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में यही लोगों से कहा कि अच्छा बौद्ध होने के साथ साथ एक अच्छे बौद्ध का कर्तव्य बनता है कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। बाबा साहब अंतिम दिनों में यही शब्द कहा करते थे। धन्यवाद हमारे चैनल को बताने के लिए। बहुत बहुत आभार। SM न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।